आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं जैसे सर के जो शब्द हैं उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज़म ये नेशनलिज़म ये बहुत ही ज़्यादा एक एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज़ करते थे तो खड़े होके कहते थे परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो हाँ तो है चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म है सो वाई नॉट सो हाउ पैशनेट यू आर दैट्स हाउ योर पैशन इज गोइंग टू बी इट्स जस्ट लाइक लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो किसी भी तरह का हो उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है सतरंगी पांच रंगी तीन रंगी दो रंगी तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है सो आई थिंक हम में कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए वी शुड नॉट फील अशेम्ड एंड बाकी लाइक आई सेड यू नो आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म और और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है दिस इज एक्चुअली अ बिग फिल्म नॉट बिकॉज ऑफ द बजट नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी इट इज़ अ बिग फिल्म बिकॉज द काइंड ऑफ आर्टिस्ट आई एम गेटिंग टू वर्क विथ एंड शंकर सर एहसान सर एंड लोये सर के साथ भी मेरी पहली फिल्म है एंड ये हमारे जो त्रिदेव हैं इनके साथ इनके साथ भी मुझे जो काम करने का मौका मिला दे हैव दे हैव डन इन दिस फिल्म एंड दे हैव डन फॉर द फिल्म आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन एक्सप्लेन देर आर सेवन टू एट सॉन्ग्स इन द फिल्म एंड ईच वन ऑफ देम इज़ वन बेटर दिन द अदर हमें समझ ही नहीं आया कि किसको लॉन्च किसे करें पहले बट यू गाइज आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम वेन यू गाइज हेयर द एल्लबम one has to hit upon the right emotional thread for the film and that we grabbed it the moment we composed Vijay Bhava and we knew that Kabhi Iski music is gonna go in a particular direction and then after when Kangna came in it was a complete change again it was very beautiful because the kind of things that she brought into the film a lot of emotional songs and that kind of thing which really which really worked beautifully and we have we've had a really I think this is one of I proudly say this is one of our best albums that we've done

so we are very happy that uh, you know, we have a, a sort of a big window for there are vacations and it's a big, you know, sort of a kind of a festive uh, release. Um, so i think two films can easily come. so far, nobody has pressurized. it would be completely wrong to uh, say that, you know, we've been approached or pressurized into doing something we don't want to do. <laughs> आपने सुने रंग दे बसंती में काम किया था लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलफ है ये बिल्कुल अलग अनुभव है क्योंकि देखिए एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है और दूसरी एक चीज़ होती है जैसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं ये एक ट्रिब्यूट है हम सब का Uh, मेरे लिए मूलतः यह फिल्म करने का मूल कारण उस वक्त में बहुत व्यस्त था लेकिन मूल कारण दो थे एक तो ये फिल्म uh, मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम uh, रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी क्यों नहीं बनती है और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं वो तो कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है तो आई थिंक आई कुंड फॉर बेटर बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे महसूस करते थे वो हो रहा था और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है ये तो खास बड़ी बात नहीं है भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ करके सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मानना चाहिए क्योंकि मैं मेरा मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या जरूरत क्या है जरूरत है प्यार है तो उसको जताने की भी जरूरत है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत दिन से एक हैश शुरू करना चाहता था आ, देश प्रेम जताओ और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता मैं चाहता हूं कि वो शुरू करूं मैं कि देश प्रेम जताओ आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का कविता लिखकर गीत लिखकर पेंटिंग बनाकर लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा प्यार है तो दिखाओ यार तो पहनो वेयर इट ऑन नो इश्क और मुश्किल कहते वो छुपाने की क्या जरूरत है प्यार किया भाई तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूँ और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन जिनको महादेवन में समझता हूँ क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया सो आई थिंक कमल जी थे इसमें और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ बात uh, कम आप लोगों के साथ बट आपने मेरे शब्द बोले हैं डायलॉग्स बोले हैं सो so आप लोगों ने सब ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल रेजोनेट वॉट हैज़ बीन डन बाई ऑल ऑफ यू हियर